हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। और एक चीज मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर रहे हैं, ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो मैं सारा एक बार रिकॉर्ड किया, ड्यू टू टेक्निकल रीजन बोले या परेशानी समझे, 2 मिनट के बाद 2 मिनट्स के बाद वो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। जब सारा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं जब वीडियो देखने गया तो रिकॉर्ड नहीं हुआ। बहुत टेंशन हुआ, सच पूछो तो टेंशन हुआ, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ता है। 3 बजे से लेके 7 बजे 8 बजे रात तक क्लास होती है, उसके बाद रिकॉर्ड करते हैं। वे रात के 12 बज गया है, फिर भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि जो जुनून होना चाहिए समझे। क्योंकि मैं सोचा हूँ कि मान के चलो मुझे 1,000 वीडियो बनाना पड़ेगा, 2,000 वीडियो बनाना पड़ेगा, या लाइफ के 60 साल के बाद ही सक्सेस क्यों ना मिले, समझ रहे हैं ना। कोशिश करने नहीं होना चाहिए। कोई बोलता है कि जानते हैं बताए हैं हम आपको, मान के चलो थोड़ी मोटिवेशन वाली बात कर लिया जाए, क्या कोई कलेक्टर की तैयारी कर रहा है और क्या नहीं निकाल पाता है तो क्या लग रहा है वो लाइफ में नहीं सक्सेस करेगा? 100% सक्सेस करेगा, 100% करेगा। सबसे पहली बात ये समझ लो, अगर कोई चीज की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रिपरेशन करो, 2 साल या 3 साल या 4 साल दिए हो, 2 साल 3 साल 4 साल कुछ भी दिए हो, तो आधा जो कलेक्टर कलेक्टर है डीएम, इसकी तो गुण अपने आप में एडप्ट आ जाएगा। जो बंदा 15 घंटा 18 घंटा पढ़ाई करता है, पूरी पढ़ाई की रामायण गीता याद कर लिया, तो क्या लगता है मान ले कलेक्टर बने ना बने वो लाइफ में जरूर सक्सेस होगा? ओझा सर को देख लो, बहुत एग्जाम्पल है। जानते हो विद्या कभी व्यर्थ नहीं होगा, ये चीज हमेशा याद रख लीजिए समझे। क्या लगता है कितने लोग डीएम के पोस्ट से रिजाइन देके टीचिंग करते हैं? आज के दिन में टीचिंग वो पैशन बन गया है लोगों के बीच में जो आप सोच नहीं सकते हैं। पहले समाज में रहता था यार ये तो मास्टर बनेगा, ये तो ये बनेगा, ये तो वो बनेगा, थोड़ी गुरु का तो इज्जत था मगर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं लगता। आज के दिन में जानते हैं टीचिंग में सेल्फ रिस्पेक्ट मिलता है। और वो जो मैं एज पहले एक्स बैंकर था समझे, HDFC में डिप्टी मैनेजर ग्रेड पे रिजाइन दे के अभी टीचिंग प्रोफेशन चूज किया हूँ, बहुत खुश हूँ। सच पूछिए, जब बच्चा के बीच में जाता हूँ, बचपना आता है, उसकी हरकतों को देखता हूँ, जो फीलिंग आती है ना वो 10 लाख की जॉब से नहीं आएगा समझे। हमेशा कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ सीखने के लिए आप रेडी रहिएगा हमेशा। मैं बता रहा हूँ आपको, बच्चे को कुछ अच्छा ट्रिक दे, क्वेश्चन सॉल्व करे, बच्चे कैसे समझेंगे, हमेशा दिमाग में आपको बच्चे के प्रति रहेगा, बच्चा कैसे होगा, क्या करेंगे, कैसे मतलब बच्चा को ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये क्वेश्चन कैसे होगा, इस तरह के माइंड में जो आता है ना, लगते रहता जब पढ़ाते लगता रहता है कोई दैविक शक्ति तो नहीं इन कर गया है। लोगों के प्रति जो पढ़ाने का समझाने का जो सेंस होता है वो औसम रहता है, ये एक सेटिस्फेक्शन होते रहता है। चलिए पर डे मैं सोचा हूँ 1 या 2 मिनट मोटिवेशन वीडियो थोड़ी बहुत अपलोड करने का। इससे क्या हुआ जानते हैं, मोटिवेशन के बिना ना समझ रहे, लाइफ में वो फोटोन है, वो एनर्जी है। मोटिवेशन रूटीन बाय रूटीन होना चाहिए जिस, और सबसे बड़ी बात है सेल्फ मोटिवेशन बहुत मायने रखता है। चलिए इस क्वेश्चन को हम फिर से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ये उसके बाद देखते हैं अपलोड करेंगे जो मेरा चैनल है पार्थ कैरियर क्लासेस। तो दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, देखिए आपको पहले भी बताया लीनियर इक्वेशन में, जैसे 1/x + y रहे या 1/x - y रहे, तो उसको कुछ या तो a मान सकते हो, इसको b मान सकते हो, इसको m मान सकते हो, इसको n मान सकते हो, इसको आपको u मान सकते हो, उसको b मान सकते हो। इससे क्या होता है, इस तरह से एज्यूम करते हैं तो कोई जो बड़ी बड़ी फॉर्म होता है वो सिंपल में हो जाता है, जिसको सॉल्व करना थोड़ी आसान होता है। तो चलिए ये क्वेश्चन है, यहाँ सॉल्यूशन लिख लेते हैं। और माना कि 1/x + y = a मान लेते हैं, और वो अपन 1/x - y को हम b मानते हैं, तब जब
तब देन 57 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 6 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5 है। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 57 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 6 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं 57 ए प्लस 6 बी इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। हेयर ए वन इक्वल टू 57, बी वन इक्वल टू 6 और सी वन इक्वल टू 5, जो आगे अपने लोग को चल के काम आएगा। अब अगेन देखो, जो है 38 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 21 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 9 है। तो इसको जो सॉल्व अगेन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देख लो 38 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 21 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 9। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 38 ए प्लस 21 बी इक्वल टू 9, एंड ए टू इक्वल टू 38 और बी टू इक्वल टू 21 और सी टू इक्वल टू 9। दो इक्वेशन अपने पास मिल गया, दो इक्वेशन आपको दिख रहा है, दो इक्वेशन मिला। इस दोनों इक्वेशन से अब हमको भाई सॉल्व करना है। तो ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू निकल गया। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हम आपको क्या पढ़ाए हैं, देखो इस तरह से इक्वेशन ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सॉरी इक्वल टू सी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई सी टू, अगर इस तरह से रहेगा बराबर के बाद सी वन सी टू रहेगा तो बता रहे हैं फॉर्मूला क्या होगा। सो देखिए, इसको हम बी वन बी टू सी वन सी टू ए वन ए टू अगेन बी वन बी टू, ये हो गया आपको एक्स सॉरी इसको हम माइनस 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 ए बी माइनस वन आता है। अगर ये सी वन इस साइड रहेगा मतलब इस फॉर्म में रहता, मान के चलो ए वन एक्स प्लस बी वन वाई माइनस सी वन इक्वल टू 0, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई माइनस सी टू इक्वल टू 0, इस फॉर्म में रहता मेरे भाई, तो आप बता रहे हैं यहां माइनस नहीं होता, ओनली वन होता। तो इस फॉर्म में तो नहीं है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं अगेन, तो यहां हो जाएगा, पहले हम मान के चलो इसको वन मानते हैं, वन मानते हैं, इसको टू मानते हैं, इसको टू मानते हैं। तो वन में से टू को घटाना है, वन में से टू को घटाना है, मगर इस दोनों वन को मल्टीप्लाई करने के बाद इस दोनों टू के मल्टीप्लाई में से घटाना है। कैसे, जैसे ए इक्वल टू बी वन सी टू माइनस सी वन बी टू अपॉन बी इक्वल टू सॉरी सी वन ए टू माइनस ए वन सी टू इक्वल टू माइनस वन ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू, ये लिख दिए। अब इसपे हमको क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है, रखना है और देखते हैं क्या हम प्राप्त होता है वैल्यू। चलो ये फॉर्मूला हुआ, अब हमको क्या करना है, इस फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करना है। कहाँ से, ए इक्वल टू बी वन कितना है, बी वन 6, सी टू कितना है 9, माइनस
C1 कितना है 5 इंटू B2 कितना है 21 इक्वल टू बी अपॉन C1, C1 कितना है 5 इंटू A2 कितना है 38 माइनस A1 कितना है A1 हुआ 57 इंटू C2 कितना है C2 हो गया 9 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन A1 कितना है 57 इंटू B2 कितना हुआ B2 21 माइनस B1 कितना है B1 देखो मेरे भाई 6 इंटू A2 कितना है 38। अब हम वैल्यू निकालने का कोशिश कर रहे हैं A इक्वल टू 54 माइनस 105 इक्वल टू B इक्वल टू ये हो गया 0 15 90 माइनस हो गया 9 37 43 45 51 ये हो गया। इसके बाद माइनस 1 ये गुना कर देते हैं तो 21 इंटू 57 1197 माइनस 6 इंटू 238 228। तो इसको घटाते हैं माइनस 1 अपॉन माइनस 1197 ये हो गया 969 हो गया। ये हो गया, इसमें जो घटाते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है आपको 513 माइनस 190 माइनस में होगा बी माइनस आपको माइनस 323 ये हो गया और ए इक्वल टू आपको हो जाएगा 105 माइनस 51 माइनस। तो आपको A इक्वल टू माइनस 51, B इक्वल टू माइनस 323 और लास्ट में C का जो वैल्यू माइनस 1 अपॉन 969 ये वैल्यू आपको मिला है, ये वैल्यू आपको मिला है। अब हमको A और B फाइंड करना है तो देखो A अपॉन माइनस 51 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 969 समझे। इसको सॉल्व करने के लिए हम आपको दिखा रहे 969 ए इक्वल टू 51 क्योंकि ये दोनों माइनस माइनस कर जाएगा ए इक्वल टू 51 अपॉन 969 इक्वल टू हो जाएगा आपको कितना मर्तबे हो जाएगा 19 मर्तबे कट जाएगा तो ए इक्वल टू 1 अपॉन 90 हुआ। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है मेरे भाई 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 अपॉन 90 एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब बी का वैल्यू निकालते हैं बी अपॉन माइनस 232 इक्वल टू माइनस अपॉन 969 बी इक्वल टू सॉ डायरेक्ट अगर देखोगे तो ये 3 हो जाएगा आपको सॉल्व जब करोगे बी 3 हो गया। बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 अपॉन x माइनस y इक्वल टू 3 एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3 हो जाएगा ये 1 अपॉन 3 होगा वैल्यू यहाँ सॉरी 1 अपॉन 3 एक्स माइनस वाई का वैल्यू आपको 3 हो गया। इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 को ऐड करते हैं तो देखिए आपको बताता हूँ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 x माइनस वाई इक्वल टू 3 ये हो जाएगा आपको कट जाएगा ये दोनों आपको कट गया तो हो गया 2x इक्वल टू 22 एक्स इक्वल टू 11 निकला तो x इक्वल टू 11 किसी वैल्यू में पुट करो x प्लस वाई इक्वल टू मान के चलो 90 है x इक्वल टू 11 प्लस वाई इक्वल टू 90 y इक्वल टू 90 माइनस 11 y इक्वल टू 8 तो आपको बता रहा हूँ x का वैल्यू आपको 11 एंड y का वैल्यू 8 प्राप्त हो गया। कुछ क्वेश्चन में है नहीं क्वेश्चन हलवा है इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए समझे और एग्जाम टाइम अभी टाइम है अच्छा से मेहनत करिए और हम लोग तो साथ हैं सब कुछ अच्छा ही हुआ। चलिए धन्यवाद बाय फिर मिलते हैं चलते।